सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ट्रैक एंड फील्ड में 4x100 मीटर रिले को पढ़ेंगे। 4x100 मीटर रिले। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन आता है कि ट्रैक के अंदर टीम इवेंट्स कौन सा होता है। रिले को क्या बोलते हैं हम, टीम इवेंट्स। टीम इवेंट्स बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, 4 खिलाड़ी होंगे और सभी को 100-100 मीटर दौड़ना है। 4 खिलाड़ी होंगे, सभी को 100-100 मीटर दौड़ना है और सबसे जरूरी बात लेन की बाउंडेशन होगी। सबको अपनी अपनी लेन में दौड़ना है। चलिए अब हम इसकी मार्किंग करेंगे और एग्जांपल के लिए मैं स्ट्रेट लूंगा 80 मीटर का। स्ट्रेट कितना लूंगा, 80 मीटर का। चलो चलते हैं। ये हमारा बन गया ट्रैक। तो हम फर्स्ट लेन की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट लाइन की मार्किंग, ये हमारा फिनिश लाइन। अच्छा जी, और ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर। देखियो कितना है, 80 मीटर। हम क्या करेंगे, हम यहां से ऐसे केले गार्डन पे भी चलेंगे। ये हमारा होता है सेंटर लाइन से हम ऐसे क्या डालेंगे, रस्सी डालेंगे। तो जो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 100 मीटर। ऐसे ही 200 मीटर पे, ऐसे यहाँ पे 300 मीटर। तो ये जो निशान मिला, इस निशान को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इस निशान को बोलेंगे हम स्क्रैच लाइन। क्या बोलेंगे हम, स्क्रैच लाइन। इस निशान को हम स्क्रैच लाइन बोलेंगे भाई। 100 मीटर का हमारे मार्क मिल गया, 200 मीटर पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, 300 मीटर पे हमने यहाँ कर दिया, फिनिश लाइन है 400 मीटर। 4 खिलाड़ी होंगे, चारों को मतलब 100-100 दौड़ना है प्रत्येक को। अच्छा जी, एक जो ये स्क्रैच लाइन है, स्क्रैच लाइन से 20 मीटर इधर आगे और 10 मीटर पीछे एक जोन बोलते हैं इसको। पहले इसको क्या बोलते थे, पहले इसको बोलते थे बैटल एक्सचेंज जोन। पहले इसको हम बैटल एक्सचेंज जोन बोलते थे। देखिए एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो आपको स्कीम मिल रही है कि भाई अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज कर लो, तो आप क्या करोगे, अपना पुराना फ़ोन दोगे तब नया लोगे। तो फिर क्या किया, एक्सचेंज में क्या होगा मतलब बस कुछ दे करके तब लेना होता है। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स ने क्या किया कि भाई एक्सचेंज वर्ड सही नहीं है, इसको बदलो। तो इन्होंने क्या किया, बैटन टेक ओवर जोन। इस एरिया को पहले क्या बोलते थे, बैटन एक्सचेंज जोन, स्क्रैच लाइन से 20 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे। लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इसको बदल करके बैटन टेक ओवर जोन कर दिया। आप किसी स्कूल या कॉलेज में गए, सिलेक्शन हो गया आपका, तो जो वहाँ पे पहले आपसे पहले जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वो क्या करेगा, आपको हैंडओवर करेगा चार्ज और आप उसको क्या करोगे, टेक ओवर करोगे, हैंडओवर टेक ओवर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैटन को टेक ओवर कर रहे हैं।
अच्छा जी, टेक ओवर करने का भी क्या कैसे कर रहे हैं, अगर आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे अप स्वीप। क्या बोलेंगे? अप स्वीप। अगर आप हाथ उल्टे भी की तरह ऐसे पकड़ोगे ऐसे, इसको बोलेंगे हम डाउन स्वीप, अप स्वीप, डाउन स्वीप। ये होता है बैटन पकड़ने का थोड़ा सा तरीका। अच्छा जी, इसमें फर्स्ट खिलाड़ी जो होगा, फर्स्ट खिलाड़ी क्या करेगा भाई, स्टार्टिंग ब्लॉक है, फर्स्ट खिलाड़ी वो यूज कप्तान उसको लगाएगा यहाँ पे, फर्स्ट खिलाड़ी को जिसका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैटन एक्सचेंज जोन बोलेंगे, बैटन टेक ओवर जोन बोलेंगे। पहले बैटन एक्सचेंज जोन था, अब होगा बैटन टेक ओवर जोन। ठीक है, 20 मीटर आगे स्क्रैच लाइन से, 10 मीटर पीछे। अच्छा जी, और एक बात और, जैसे इसमें 4 प्लेयर हैं, थर्ड फोर्थ, एक क्वेश्चन ये आता है कि रिले रेस के चौथे खिलाड़ी को, चौथे दावक को क्या कहते हैं? रिले रेस में चौथे खिलाड़ी को एंकर रनर बोलते हैं, एंकर, एंकर रनर, एंकर रनर, एंकर रनर। ये ध्यान रखने क्वेश्चन आता है कि रिले रेस के जो चौथा धावक होता है रिले रेस में, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंकर रनर बोलते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आता है कि 4x100 मीटर में एक धावक अधिक से अधिक कितने मीटर दौड़ सकता है? तो क्वेश्चन आंसर होगा 130 मीटर। सपोज इस खिलाड़ी ने यहाँ पे बैटन ले ली और यहाँ से 10 मीटर आगे तक रह गए जोन, और यहाँ पे बैटन, इससे दोबारा यहाँ पे बैटन ली गई, इसने यहाँ पे ले करके यहाँ बैटन दी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 130 मीटर। और एक क्वेश्चन ये आता है कि रिले रेस में एक धावक कम से कम कितने मीटर दौड़ सकता है? 70 मीटर। यहाँ बैटन ली, यहाँ दे दी, तो कितना, 70 मीटर। ठीक है, ये है 4x100 मीटर रिले भाई, 4 खिलाड़ी होंगे, प्रत्येक को 100 मीटर दौड़ना होगा, और 30 मीटर का, 30 मीटर का बैटन टेक ओवर जोन बनेगा। पहले बैटन टेक ओवर जोन को बैटन एक्सचेंज जोन बोलते थे, और रिले रेस के चौथे धावक को हम एंकर रनर बोलते हैं, और रिले रेस में एक धावक अधिक से अधिक 130 मीटर और कम से कम 70 मीटर दौड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।